और लखनऊ से एक और बड़ी अपडेट है। एडीजी स्तर के 7 अफसरों के तबादले हुए हैं। गोरखपुर, कानपुर और आगरा के एडीजी बदले गए हैं। अखिल कुमार को गोरखपुर एडीजी जोन बनाया गया है। दावा शेरपा को एडीजी सीबी सीआईडी बनाया गया है। भानु भास्कर एडीजी कानपुर बनाए गए हैं। राजीव कृष्णा आगरा जोन के एडीजी बनाए गए हैं। जय नारायण सिंह एडीजी पीटीसी मुरादाबाद बनाए गए हैं। बीके सिंह का दौरा चार्ज हटा दिया गया है। अजय आनंद पीएसी के नए एडीजी बने हैं और बीके सिंह अब सिंगल ऑफिस होल्डर सिर्फ एडीजी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। तो आईएएस अफसरों के तबादले के बाद आईपीएस अफसरों के भी तबादले हुए हैं। तो कल यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। गोरखपुर, कानपुर, आगरा के एडीजी बदले गए हैं। 7 अफसरों के टोटल तबादले हुए हैं, जिनमें अखिल कुमार को गोरखपुर एडीजी जोन बनाया गया है। दावा शेरपा को एडीजी सीबी बनाया गया है। लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शिवा, आईएएस अफसरों के तबादले के बाद आईपीएस अफसरों के भी तबादले किए गए हैं, तो कल यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बिल्कुल धीरेन्द्र, कल देर रात ये 7 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं जो एडीजी स्तर के तबादले हैं। बड़ी बात यह है कि जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से जो आईपीएस अफसर लौटे थे उनको गोरखपुर और कानपुर जोन की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अखिल कुमार जो 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर है उनको गोरखपुर का एडीजी बनाया गया और भानु भास्कर जो 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर है उनको एडीजी कानपुर जोन बनाया गया। साथ ही साथ 3 ऐसे अफसर हैं जो लंबे समय से एक जगह पर अड़े हुए थे और ये कहा जा सकता है कि उनका जो फीडबैक था वो बहुत ज्यादा उनकी कार्यशैली के हिसाब से मेल नहीं खाता था, उनको साइडलाइन किया गया है, जिसमें जय नारायण सिंह है जो कानपुर के एडीजी थे और दावा शेरपा जो गोरखपुर के एडीजी थे और अजय आनंद, इन तीनों को साइडलाइन किया गया है कानपुर, आगरा और गोरखपुर से। साथ ही साथ विनोद कुमार सिंह जो लंबे समय से पीएसी को हेड कर रहे थे उनको अब सुरक्षा मुख्यालय का एडीजी बनाया गया है। ये बड़ी बात है कि कयास लगाया जा रहा था कि पंचायत चुनाव से पहले आईपीएस अफसरों की एक बड़ी सूची आ सकती है, लेकिन कल जो देर रात ये सूची आई है साथ ही आईपीएस अफसरों की सूची है, लेकिन कई और आईपीएस अफसर हैं जिनका फीडबैक मुख्यमंत्री जी को सही नहीं मिला है, उनके भी तबादले होने हैं। अब ये आईपीएस अफसरों की लिस्ट कब आती है और किन किन के नाम उस लिस्ट में शामिल होते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी शिवा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।